बीएसएनएल यूजरों के लिए सुनहरा मौका। बीएसएनएल ने 4G अनलिमिटेड डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट अपने यूजरों के लिए देने का प्लान कर रहा है, और साथ ही 4G सिम भी आप लोग बीएसएनएल का किसी भी शॉप से सिर्फ आधार कार्ड लेकर और जाकर आप लोग उठा सकते हैं। और कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में या सिटी क्षेत्र में आप लोग बीएसएनएल का 4G अनलिमिटेड डाटा आप लोग आनंद ले सकते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों को शायद मालूम होगा कि 3 जुलाई से जियो ने रिचार्ज प्लान को 12% से 25% तक बढ़ाकर हाई कर दिया है। भारत में कुल 4 टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल, वोडाफोन और बीएसएनएल। तो बीएसएनएल जो है ये सरकारी कंपनी है और बाकी के 3 जो है वो प्राइवेट सेक्टर की है। तो प्राइवेट सेक्टर की जैसे जियो ने अपने रिचार्ज प्लान को बढ़ाया, उन्हीं के देखा देखी एयरटेल ने भी बढ़ा दिया और वोडाफोन ने भी बढ़ा दिया। तो कहते हैं ना कि जब जब ये भारत में अत्याचार होगा तब तक कोई ना कोई बचाने के लिए आ ही जाएगा। तो रतन टाटा जी ने भारत के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिल दिखाने का काम किया है। तो रतन टाटा जी ने जो कि टाटा TCL कंपनी है उनकी, उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं बीएसएनएल कंपनी को, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रेंडिंग में बाइकॉट चल रहा है। हैशटैग जियो, हैशटैग एयरटेल, हैशटैग वोडाफोन का बाइकॉट चल रहा है। तो किसी भी प्रकार के अगर आप लोगों के पास लिंक आ रहा है कि इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग रिचार्ज प्लान का ऑफर आसानी से ले सकते हैं, तो ऐसा आप लोग गलती से भी मत करिएगा। किसी भी टाइप के अगर आपके पास लिंक आ रहा है तो कोशिश करिए उस लिंक को टच ना करिए। अगर लिंक को आप लोग टच भी कर देते हैं तो वहाँ पर आप लोग किसी भी प्रकार के इंफॉर्मेशन को न भरिए। मान लीजिए वहाँ पर आप लोगों से आपका डिटेल पूछा जाएगा और कोई अकाउंट नंबर मांगा जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग ऐसा गलती करते हैं, आप लोग वहाँ पर किसी भी टाइप का अगर ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप लोग अकाउंट नंबर अपना डिटेल डाल देते हैं, तो वहाँ से आप लोगों का अकाउंट जीरो होने का संभावना जताया जा रहा है। तो ऐसा आप लोगों को गलती नहीं करना है। किसी भी प्रकार के अगर रिचार्ज से संबंधित आपके पास लिंक आ रहा है तो उसको बाइकॉट करने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जब जब अत्याचार होगा तो कोई ना कोई बचाने के लिए आ ही जाएगा। तो जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ, एजुकेशनल के मामले में सारे लोग जब फीस को हाई कर रहे थे तो उस टाइम खान सर ने एजुकेशनल क्षेत्र में उतर कर और उन्होंने बहुत कम फी में पढ़ाने का काम किया, एजुकेशनल को बहुत लो फी में लेकर आए। और उन्हीं के देखा देखी आज कोई भी हाई करने से अपने फी को डरता है। तो ऐसे ही देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जो कि 3 है, जो कि रिचार्ज प्लान को बढ़ाकर हाई कर दिया है, तो इसमें रतन टाटा जी ने पूरे देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा दिल दिखाने का काम किया है। उन्होंने बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल कंपनी को सपोर्ट करिए। आगे चल के बीएसएनएल कंपनी जो कि 2024 में ऑल ओवर इंडिया 4G डाटा अवेलेबल कराने के प्लान कर रही है और 2025 में 5G डाटा बीएसएनएल की आ जाएगा, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे यूजर जो हैं कि जितने भी, जैसे मान लीजिए आप लोग जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन का, तो बहुत सारे यूजर जो कि उसमें से सिम पोर्ट कराकर बीएसएनएल में पोर्ट करा रहे हैं, जो वहां से अपने मतलब कंपनी को छोड़कर और बीएसएनएल में जुड़ रहा है। तो आप लोग भी अगर आप लोग के पास वहां पर जहां भी रहते हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में या सिटी क्षेत्र में, वहां पर अगर आप लोगों को बीएसएनएल का नेट बढ़िया चल रहा है तो आप लोग भी कोशिश करिए कि इस सब कंपनी से बाहर निकल कर अब बीएसएनएल में अपना सिम पोर्ट करा लीजिए। बीएसएनएल को सपोर्ट करने की ज़रूरत है आगे चल के, और ये अच्छा नेट प्रोवाइड करेगी। जो कि इन लोगों का 5G चल रहा है वो बीएसएनएल 4G डाटा लेकर आएगी और 4G इतना स्पीड से चलेगा जो कि इन लोगों का 5G फेल हो जाएगा। तो आप लोगों को बीएसएनएल कंपनी को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।